बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, आज का व्लॉग कुछ ऐसे दोस्तों के लिए है जो YouTube पर चैनल बना चुके हैं, उनका चैनल ग्रो नहीं कर रहा, या जो लोग सोच रहे हैं दोस्त के चैनल YouTube पे बनाएं, YouTube से अर्निंग करें। तो आज मैं आपके साथ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसे पॉइंट्स और ऐसी टेक्निक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको कभी भी कोई बड़ा यूट्यूबर्स नहीं बताएगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है बड़े यूट्यूबर्स को कि कोई मुझे इस तरह की वीडियो दिखा दे कि उसने अपने ये वाले राज कभी भी किसी के साथ शेयर किए हों यूट्यूब वीडियोस पर। तो सबसे पहली बात यह है, जो आप अगर यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो आप ये सोच के आएँ कि इसमें कोई जल्दी वाली बात नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अभी चैनल बना दें और सुबह आप उठें तो आपके 1000 जो है ना सब्सक्राइबर्स भी पूरे हों और 4000 वाच टाइम है आवर्स का वो भी पूरा हो। ऐसा दोस्तों कभी भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब को टाइम देना पड़ता है। लेकिन शॉर्टकट जो लेते हैं उसमें यह है कि एडवर्टाइजमेंट के पैसे देते हैं किसी यूट्यूबर से, अपने आप को प्रमोट करवाते हैं। चले, ये भी एक रास्ता तो है शॉर्टकट, लेकिन वो कब तक आप ऐसा करेंगे? अगर आपका वॉच टाइम पूरा है तो फिर आप सब्सक्राइबर्स ख़रीद लें आपके लिए, ठीक है, ताकि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। अगर आपका वॉच टाइम पूरा नहीं है तो कभी भी ये गलती ना करें, पैसे खर्च करने की, टाइम ज़ाया करने की कोशिश हरगिज़ भी मत करें, मैं आपको मशवरा दूँगा। हाँ, अगर आपका वॉच टाइम पूरा है तो फिर आप सब्सक्राइबर्स ख़रीदें, या आपका वॉच टाइम थोड़ा सा कम है, मिनिमम मैं कह सकता हूँ कि अगर 5000 जो है ना आप सब्सक्राइबर्स ख़रीदें तो आपका इतना अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपका वॉच टाइम आवर्स जो है वो भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। 5000 अगर आप ख़रीदते हैं तो उसमें से अगर आपके पास 1500 ऐसे सब्सक्राइबर्स हों जो आपकी वीडियोज़ को थोड़ा बहुत ही देख लें, तो कुछ आपके दोस्त कुछ इस तरह करके आप अपना वॉच टाइम जो है वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, बात किसी और तरफ निकल गई थी, तो मैं आपको बताता हूँ। जब आप वीडियो बनाते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि वीडियो की क्वालिटी क्लियर होनी चाहिए, ऑडियो उसकी क्लियर होनी चाहिए। जब ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्लियर होगी तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके जो है ना चैनल ग्रो करेगा। तो दूसरी जो बात है उसमें, अगर आप वीडियो को रैंक करना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई वीडियो सर्च करते हैं यूट्यूब के अंदर तो उसमें ये होता है कि आपके पास ऊपर कुछ वीडियोज़ आ जाती हैं पहले नंबर पे, दूसरे तीसरे चौथे, इस तरह की रैंकिंग में। रैंकिंग का राज क्या है? रैंकिंग का राज मैं आपको बताता हूँ, 2-3 इसके पॉइंट्स हैं जिससे आप अपनी वीडियो को रैंक करवा सकते हैं। तो वो टेक्निक्स आपसे शेयर करने लगा हूँ, आप पूरी तवज्जो से सुनिएगा। तो इंशाल्लाह अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आपका मुस्तकबिल में कभी इरादा है कि आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि आपकी वीडियो और ऑडियो की जो क्वालिटी है वो क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि स्टार्ट में आप बोया M1 का जो 2500 का जो माइक मिलता है वो ले लें। आप हैंड फ्री से काम चला सकते हैं, आप ब्लूटूथ अगर आपके पास है उससे आप वीडियो के अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो, और जो भी मोबाइल आपके पास है फिलहाल आप उसी से ही स्टार्ट लें, फिर जैसे जैसे होगा देखा जाएगा। लेकिन अक्सर यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं वो मुस्तकिल काम नहीं कर पाते, वो महीना, 2 महीने, 4-5। तो मेरे भाई, ऐसा अपना टाइम ज़ाया ना करें। अगर आप कर सकते हैं, आपके अंदर विल पावर है तो फिर ही आप काम करें। लेकिन सबसे पहले बात ये कि आप कोई ख़र्चा ना करें। अगर आपके पास कोई माइक नहीं है तो हैंड फ्री ले लें, हैंड फ्री नहीं लेना चाहते तो जो मोबाइल के अंदर माइक है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है, उसमें भी आप अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो आप कंपोजिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, वो आप जिस भी आपको जिस पर भी कमांड है सॉफ्टवेयर पे सारे अच्छे हैं, आप उसमें अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं काइनमास्टर पे करता हूं, मैंने लोगो रिमूव करने की कोशिश नहीं की, ना मैं करता हूं, क्योंकि मैं सीधा साधा बंदा हूं और सीधी बातें करता हूँ। ये जो 2 नंबरी टेक्निकल चीज़ें हैं ये मैं फजूल में नहीं करता, अपने व्यूअर्स को मैं इस तरह के कन्फ्यूजन में नहीं डालता, तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पता चल रहा है कि काइनमास्टर से वीडियो एडिट की गई है।
तो ये भी अच्छा है। थोड़ा सा मुश्किल है इसको स्टार्ट में यूज़ करना, इसके ट्यूटोरियल बेशुमार आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आपको ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। दूसरी जो मैं बात कर रहा था वीडियो रैंक कराने की, तो वीडियो रैंक ऐसे करती हैं कि उनका एक तो जो है आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी हो, दूसरी जो उसका टाइटल अच्छा हो, और तीसरी बात जो है वो आपके टैग्स अच्छे हों। तो बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते, उनको टैग्स बनाना भी नहीं आते, उनको टाइटल डालना भी नहीं आता, और इसके साथ साथ उनको जो है ना मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वीडियो की आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसके टैग्स कैसे अपनी वीडियो पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करने वाला, मैं आपको इस तरह बताऊंगा तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहने चाह रहा हूँ और आप किस तरह कर सकते हैं। मेरी वीडियो को पूरा देखें और तवज्जो से मेरी बातों को सुनने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं आएगा। पहली बात तो यह है कि चलते हैं टाइटल की तरफ। टाइटल को जो आप किसी वीडियो का, अगर आपने किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो उस टॉपिक को आप सर्च करें यूट्यूब के अंदर, जो पहले दूसरे रैंक पर आ रही है आप उसका लिंक कॉपी कर लें। लिंक कैसे कॉपी करेंगे, वीडियो जब आप चलाते हैं उसके नीचे शेयर का बटन होता है, आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन ओपन हो जाएंगे तो उसमें कॉपी का एक ऑप्शन आएगा, तो वहाँ कॉपी पर आपने कर देना है क्लिक। कॉपी पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसका लिंक आपके पास हो जाएगा कॉपी, तो फिर उस लिंक को जाके पेस्ट करना है किसी भी ब्राउज़र के अंदर। लेकिन मैं आपको पर्सनली अगर बताऊं तो मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूं। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें। तो वहां जाके आप कॉपी लिंक जो है ना वो पेस्ट करेंगे तो आपके पास वो वीडियो खुल जाएगी। उसका जो आप नीचे से कॉपी करेंगे डिस्क्रिप्शन से, उसको डिस्क्रिप्शन से लिंक तक उसका जो इसका नाम है वो आप कॉपी कर लें तो इस तरह भी चल सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन कॉपी करें। डिस्क्रिप्शन कॉपी करने के बाद आप YouTube स्टूडियो, जो यूट्यूबर्स हैं उनको पता है, इसके आप ट्यूटोरियल देखने की किस तरह इसको यूज़ किया जाता है, कोई ख़ास मसला नहीं है, आपको 10 मिनट में ये चीज़ समझ आ जाएगी। YouTube स्टूडियो की ये प्ले स्टोर से आपको ऐप मिल जाएगी, तो उसमें जा कर के आप ये जो डिस्क्रिप्शन कॉपी किया है वहाँ जा कर पेस्ट कर दें। आपको ना लिखना पड़ेगा ना आपको डिस्क्रिप्शन बनानी पड़ेगी, और हाई रैंक जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो अब चलते हैं उसके टाइटल की तरफ। टाइटल और टैग्स, ये मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम बताने जा रहा हूँ जो प्ले स्टोर के अंदर मौजूद है, उससे आप किसी भी अच्छी वीडियोज़ के टैग्स और उसके टाइटल उसका आप कॉपी करके अपने वीडियो में लगा सकते हैं, और ये कानूनी तौर पर भी जायज़ है, इसके अंदर कोई मसला आपको नहीं आने वाला। तो प्ले स्टोर पर यूटैग की एक एप्लीकेशन है, वो आप करें डाउनलोड। डाउनलोड करेंगे आपको, जब डाउनलोड हो जाएगी आप उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर वो लिंक मांगा जाएगा, जो लिंक आपने कॉपी किया हुआ है वहाँ जाके पेस्ट करें तो नीचे आपके पास टैग्स भी आ जाएंगे, उसके बाद कॉपी टाइटल का ऑप्शन भी आ जाएगा। पहले आप टाइटल को कॉपी कर लें, वहाँ पर जाके पेस्ट कर दें अपनी वीडियो के अंदर, उसके बाद आप टैग्स कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, टैग्स कॉपी करके वहाँ पर जाके पेस्ट कर दें। अगर कोई आप टैग चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके आप तब्दील भी कर सकते हैं, अगर कोई नया टैग लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आपकी वीडियो रैंक कर सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आपको इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। फिलहाल चैनल परेशानी को इस वीडियो से दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट में गए एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।